हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एलिगेशन और मिक्सचर का पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए, क्योंकि इसमें मैं लास्ट ईयर के पेपर के बहुत सारे क्वेश्चंस को लेने वाला हूँ, जो कि बहुत ही टफ क्वेश्चंस माने जाते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये फेसबुक ग्रुप है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय असेसर, अगर आपने इसको अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो अपनी क्वेरीज वगैरह पूछने के लिए आप इसको प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इन सभी की लिंक्स मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आज हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, एलिगेशन पे जो सबसे डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए। तो उसका बेसिक जो होता है वो आप इस वीडियो से सीखेंगे, तो प्लीज़ इस पे बहुत ध्यान से आप लोग देखेगा और इस चीज़ को सीखेगा। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप कर लेते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप इसको समझ लीजिए क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं। यहाँ पर आपको एलिगेशन थोड़ा और क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बियर के ग्लास में 40% अल्कोहल है, ठीक है। तो इनिशियली आपको पता है कि आप यहाँ पर 40 लिख देंगे, इसका कुछ भाग 19% सांद्रता वाले मिश्रण से अल्कोहल से बदल दिया जाता है, तो 26% अल्कोहल मिल जाता है। हम सभी को पता है, हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पर एलिगेशन लगाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, 19 से 26 का कितना अंतर आ गया आपका, 7, और यहाँ पर ये कितना आ गया, 40 में 26 घटाया तो ये आ गया 14, ठीक है। तो 7 और 14 यानी कि 1:2 आ गया। ये बहुत ही इजी सी चीज़ है, ये मैं फर्स्ट वीडियो से आपको समझा रहा हूँ ये चीज़ करना, बट फ्रेंड्स आज आपको इसका थोड़ा सा और एक अंतर समझना होगा। देखिए, जब भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन हो कि जब आपका पहले से ही एक ग्लास हो जो कि पहले से ही फिल्ड है, देखिए ये ग्लास क्या है, इसमें 40% अल्कोहल है लेकिन जो बचा हुआ है वो पानी उसमें पहले से ही फिल्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एक ग्लास है ये इसमें क्या है, पहले से ही इसमें फिल्ड है, इसमें 40% अल्कोहल होगा तो बाकी कितना है, 60% वो क्या होगा, वाटर उसमें से पहले ही फिल्ड होगा। तो इसमें क्या करते हैं, हमेशा हम लोग किसी और पार्ट से उसको बदल देते हैं। तो बदला कैसे जा सकता है, क्या मैं इसमें 19% वाला मिला दूंगा तो क्या बदल जाएगा, तो ऐसे नहीं बदलता। इसमें क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स, इसका कुछ अमाउंट हम लोग बाहर निकालते हैं, ठीक है। कुछ अमाउंट आप इसका बाहर निकालते हैं और उसके बाद जितना अमाउंट आप बाहर निकालते हैं उतना ही अमाउंट आप इसमें मिलाते हैं, तब इस तरह से इन क्वेश्चंस में जो भी आपको पूछा गया, जैसे 19% वाले से बदला जा रहा है तो कितना अमाउंट बदला गया होगा, यही क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कितना भाग नए द्रव से बदला गया है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप समझ लीजिए कि ये कुछ पार्ट मैंने बोला कि निकाला गया होगा और उतना ही पार्ट इसमें 19% वाला डाला गया होगा, ठीक है। तो देखिए, ये जो रेशियो आता है, अब इस रेशियो को समझ लीजिए कि रेशियो क्या आता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर आया कि 1:2, ठीक है। इसका मतलब मैंने बताया था कि एक अगर ये चीज ली गई होगी तो 2:1 में ये चीज ली गई होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, 1:2 का इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि 1 और 2 यानी कि टोटल कितना, 3, 3 जो अनुपात है वो पहले इसमें, जो भी मैं मानूं कि अगर ये बियर का ग्लास है और इसको मैं अगर 3 हिस्सों में करूं तो पहले जो है 3 हिस्सों में पूरे में 40% वाला सांद्रता का जो अल्कोहल था वो भरा हुआ था। उसके बाद क्या किया गया, इस ग्लास को यहाँ तक खाली किया गया, यानी कि इसका 2/3 भाग खाली किया गया और सिर्फ 1/3 भाग उसमें अब 40% वाला अल्कोहल बचा था, और उसमें क्या किया गया, 19% वाला अल्कोहल पूरा का पूरा डाल दिया गया, ठीक है। तो अब ये फिर से ग्लास पूरा भर गया और अब इसमें क्या है, अब जो अनुपात है वो क्या है, 2/3 जो है वो नया द्रव है और 1/3 पुराना द्रव है। तो 3 क्या है, जो टोटल इनिशियली जो मिक्सचर था वो कितना था, 3 अमाउंट था, और अब यानी कि करंट में कितना है, अब सिर्फ वो 1:1 रह गया है, और ये जो 2:1 है ये कौन सा है, ये न्यू वाला मिक्सचर है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कितना भाग नए द्रव से बदला गया है, तो 2 भाग नए द्रव से बदला गया है, लेकिन कभी भी 2 भाग ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको कैसे लिखते हैं कि 2 भाग बदला गया है टोटल कितने में से, 3 में से, यानी कि 2/3 पार्ट नए द्रव से बदला गया है, ठीक है। इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए, सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, इसको क्या कह रहा है कि एक बर्तन में 80% सांद्रता वाला अम्ल भरा हुआ है, उसका कुछ भाग 20% सांद्रता वाले अम्ल से बदला जाता है तो 40% सांद्रता वाला अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है। इसका कितना भाग 20% वाले द्रव से बदला गया है, तो इजी सा क्वेश्चन है, 80% वाला था उसको कुछ 20% वाले से बदला जा रहा है तो मुझे कितना मिलता है, 40% वाला मिल जाता है, तो मैं एलिगेशन लगा दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 20 से 40 का अंतर कितना, 20, और 80 से 40 का अंतर कितना है, 40, तो ये कितना रेशियो आ गया, 1:2, ठीक है। तो इसका भी क्या मतलब हुआ कि 20% वाला कितना मिलाया होगा, 2 भाग मिलाया होगा टोटल कितने में से, 3 में से, तो 2/3 भाग जो है बदला गया होगा। तो 20% वाला कितने भाग
कितना भाग 20% वाले द्रव से बदला गया होगा, 2/3 भाग। ठीक है, ये चीज अब आप समझ पा रहे होंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्कोहल और पानी के 5 लीटर घोल में अल्कोहल 20% है। ठीक है, इसमें 2 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, तो नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा बताइए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और इसके लिए हम लोग रेशियो की मदद लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन से सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए आपको मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको 3 वैल्यूज पता हो, और यहाँ पर क्या है रिजल्टेंट आता था, मैंने बताया था कि रिजल्ट यहाँ पे पहले से गिवन होता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को मैंने पहले और दूसरे वीडियो में सॉल्व करना सिखाया था। तीसरे वीडियो में मैंने आपको एलिगेशन से सॉल्व करना सिखाया था कि जब आपको यहाँ पर एक पता हो और नीचे का दोनों रेशियो पता होते थे और आपको रिजल्ट तब भी पता होता था। ठीक है, लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें आपको ये तो पता है कि अल्कोहल और पानी के 5 लीटर घोल में 20% है अल्कोहल, पहले ये पता है, यानी कि एक साइड आपका पता है कि अल्कोहल कितना है 20% है। ठीक है, दूसरी साइड पता है कि उतना ही निकालकर उतना पानी डाल दिया गया, तो अब आपको पता है कि यहाँ पर पानी है तो अल्कोहल इसमें कितना होगा 0% होगा, लेकिन नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा बताइए। यहाँ पर आपको जब रिजल्ट ही नहीं पता हो उस केस में आप एलिगेशन का यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उस केस में आपको बहुत डिफिकल्टी होगी एलिगेशन का यूज करने में। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए जिसमें कि फाइनल मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा जब पूछ ली जाए, तब आप क्या करते हैं, आप बहुत इजीली रेशियो से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इसको रेशियो से सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब फिर से मैं आपको रेशियो से समझाता हूँ ये क्वेश्चन कितनी इजीली हो जाएगा। देखिए क्या है कि अल्कोहल और पानी का कितना लीटर मिश्रण है, 5 लीटर। तो आप यहाँ पर लिखिए कि 5 लीटर मिश्रण मेरे पास टोटल है। ठीक है, 5 लीटर आपके पास मिश्रण है, इसमें क्या है अल्कोहल कितना है 20% है। देखिए अल्कोहल अगर 20% है तो मैं मान लेता हूँ कि ऑब्वियस सी बात है कि उसके साथ वाटर ही होगा, और वाटर कितना होगा, अगर अल्कोहल 20% है तो वाटर कितना होगा 80%। ठीक है, तो ये हो गया आपका, तो ये रेशियो कितना है 20 और 80 है, या फिर इसको मैं क्या कहूँ 1:4 के रेशियो में। ठीक है, 1:4 में है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो है टोटल कितना है 5, और सवाल में भी कितना है कि 5 लीटर ही है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको ब्रेक कर लूंगा, तो इससे मुझे पता चल जाएगा अलग से अल्कोहल कितना है, 1 लीटर अल्कोहल है और वाटर कितना है उसमें 4 लीटर। ठीक है, तो 1 लीटर अल्कोहल है और 4 लीटर वाटर है, यानी कि टोटल कितना है 5 लीटर मेरे पास सोल्यूशन है। ठीक है, अब देखिए अब एक और कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर सीख लीजिए। देखिए कभी भी अगर आपको पानी और कोई चीज़ उसके साथ मिक्स करी हुई, मान लीजिए अल्कोहल ही अगर मिक्स किया हो, कुछ अमाउंट पानी हो और कुछ अल्कोहल हो, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक आप चम्मच डालिए और सिर्फ पानी निकाल लीजिए, तो क्या ये बात संभव है? ये बात बिल्कुल भी संभव नहीं है। जब आप उसमें पानी या निकालने के लिए कुछ भी आप निकालने की कोशिश करेंगे, तो उसमें जिस अनुपात में वो होगा, अगर मैं कहूँ कि 1:1 अल्कोहल है और 4:1 पानी है, तो अगर आप 1 चम्मच भी उससे निकालेंगे तो भी आपका 1:4 के ही अनुपात में आपका एक उसमें जो 1 ड्रॉपलेट अगर उसमें पानी की आएगी तो 4 ड्रॉपलेट आपकी किसकी आएंगी, अल्कोहल की आएंगी। तो जो भी रेशियो, जब भी किसी भी मिक्सचर से अगर रेशियो आप निकालते हैं, कोई भी चीज़ अगर आप उसमें कुछ भी अमाउंट निकालते हैं, तो वो जो अमाउंट निकलता है वो उसी अमाउंट में निकलता है जिस अमाउंट में वो मिक्सचर में होता है। यानी कि मैं अपनी बात को फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ कि 1:4 में दूध और पानी है। ठीक है, आपके एक ग्लास में दूध और पानी क्या है 1:4 में है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से 1 चम्मच निकालूं या फिर पूरा का पूरा ये जो मिश्रण है उसको निकालूं, उसमें से 1 चम्मच भी निकालूंगा तो उसमें भी अगर 1 ड्रॉपलेट दूध की आएगी तो 4 ड्रॉपलेट्स पानी की आएंगी, या फिर अगर मैं पूरा निकालूंगा तो पूरे में अगर 5 लीटर हो तो 1 लीटर दूध बाहर आएगा तभी 4 लीटर पानी आएगा। मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता हूँ कि एक अगर मैं थोड़ा सा पानी निकालना चाहूँ तो वो डायरेक्ट थोड़ा सा पानी निकाल सकूँ। ठीक है, अगर वो मिश्रण है तो उसमें से क्या है दोनों चीज़ें सेम अमाउंट में ही बाहर आएंगी। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, अब इसमें क्या कहा गया है कि 2 लीटर मिक्सचर को निकाला जाता है और उतना ही पानी डाला जाता है। ठीक है, तो जब 2 लीटर मिक्सचर निकाला जाएगा तो वो किस अनुपात में आएगा, 1:4 के अनुपात में बाहर आएगा। तो 1:4 के अनुपात में बाहर आएगा। मैं कहता हूँ कि अगर 5 लीटर निकालता तो 1 लीटर दूध, 1 लीटर अल्कोहल बाहर आता और 4 लीटर वाटर, यानी कि टोटल 5 मेरे अकॉर्डिंग हर बार बाहर आएगा, और सवाल में सिर्फ कितना निकालना है 2 लीटर निकालना है। तो 1 की वैल्यू आप यहाँ से निकालिए, तो 1 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 2/5। ठीक है, 1 की वैल्यू आपकी आ गई 2/5, तो अब इससे आप निकाल लीजिए कि कितना कितना वो बाहर आएगा। तो अल्कोहल कितना बाहर आएगा, तो 2/5 भाग 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 2/5 ही रहेगा, तो अल्कोहल 2/5 बाहर आएगा। और वाटर कितना बाहर आएगा, 2/5 से 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा 8/5। तो 8/5 भाग
आपका वाटर बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब उसमें कहा क्या गया है कि जब इतना निकाला जाता है और सेम अमाउंट ऑफ वाटर उसमें ऐड कर दिया जाता है, यानी कि 2 लीटर अगर मिक्सचर निकाला गया तो 2 लीटर ही वाटर ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि 2 लीटर वाटर ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए वाटर कितना आपका ऐड हुआ, 8/5 भाग तो गया और 2 भाग पूरा पूरा 2 लीटर जो है उसमें आ गया, और जबकि अल्कोहल क्या है, सिर्फ 2/5 भाग आपका गया ही गया है, ठीक है। तो आप जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ कि 1:4 के अनुपात में था, और यहाँ पर मैंने जब इसका रेशियो निकाल लिया था तो ये 1 लीटर आ गया था और ये 4 लीटर आ गया था। तो अब ये अल्कोहल है और ये वाटर है, तो ये क्या है कि अल्कोहल जब 1 लीटर है इसमें से कितना -2/5 लीटर इससे निकाला गया है, और ये वाटर कितना निकाला गया है -8/5 ये निकाला गया है, लेकिन इसमें 2 लीटर वाटर और साइमल्टेनियसली ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये कितना बचेगा, जब आपका अल्कोहल 1 लीटर था उसमें से 2/5 लीटर निकाल लिया, तो अब ये कितना बचेगा आपका 3/5 लीटर बचेगा, जबकि आपका वाटर कितना बचेगा, तो देखिए 2 है, 2 -8/5 करेंगे तो 5 × 10, 10 में से 8 बचेगा, तो ये कितना बचेगा 2/5, ठीक है। तो ये कितना आपका बचेगा, ये आप इसको ऐड कर लीजिए, 4 + 2/5 ये कितना हो जाएगा 5 × 20, ये 22/5 आपका ये वाटर बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नया रेशियो आ जाता है कि अगर आपका नए उसमें अल्कोहल देखिए 5 से 5 तो आपका कट जाएगा, तो ये क्या है कि 3:22 यानी कि 3:22 के अनुपात में आपके पास अल्कोहल और वाटर आ जाएगा। तो अभी क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, टेल अमाउंट ऑफ एल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर, नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा बताइए। तो एल्कोहल कितना है, 3 भाग है, 3 भाग है कितने में से, टोटल 25 में से, या फिर अगर इसका रेशियो के बजाय ये पूछा जाए कि परसेंटेज में, अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हो तो ये कितना हो जाएगा, 3/5, 25 है, इसको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो गया 12/100, यानी कि 12% आपका टोटल एल्कोहल बचा होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी अक्सर आते हैं पेपर्स में, और काफ़ी टाइम अगर आपको इस तरह ये कॉन्सेप्ट अगर आप किसी भी और तरीके से लगाएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको आप एक बार समझ लीजिए, हो सकता है आपको थोड़ा सा एक बार में दिक्कत आए, बट आप इसको एक बार समझ लेंगे तो आप बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर आपको किसी भी पार्ट में ऐसा लगता है कि आपको ये चीज आती है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं काफी चीजें एक ही वीडियो में कवर करता हूं। तो आप किसी भी चीज को अगर ऐसा लगता है कि आप स्किप आपको आती है तो आप उसको स्किप करके नेक्स्ट पार्ट को देख लीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिन लोगों को अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लेंगे। देखिए क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि अगर दूध और पानी के 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:3 है, ठीक है। इससे 4 लीटर मिश्रण को निकालकर इसमें 4 लीटर दूध डाला जाता है, ठीक है। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का क्या अनुपात होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो मैंने क्या बोला कि पहले आप लिख लीजिए कितने लीटर मिश्रण है आपके पास टोटल, ये कितना है 20 लीटर है, और इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 5:3, ठीक है। तो पहले क्या है, ये तो रेशियो है, इससे आप रियल क्वांटिटी निकाल लीजिए। तो ये कितना है टोटल, मेरे अकॉर्डिंग 8 है, और सवाल में टोटल कितना है 20 है, तो मेरे अकॉर्डिंग 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/8, यानी कि इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, 4 से कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 5/2, ठीक है। तो 1 की वैल्यू आपकी आ गई 5/2, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/25/2, ठीक है, 15/2, ठीक है। तो देखिए टोटल अमाउंट अब आपको कितना पता है, 20 लीटर है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि इससे 4 लीटर मिश्रण निकाल कर इसमें 4 लीटर ही दूध डाल दिया था, ठीक है। तो अब आपको पता है कि टोटल मिश्रण में मिल्क कितना है 25/2 लीटर, और वाटर कितना है 15/2 लीटर, ठीक है। तो टोटल अमाउंट मेरे अकॉर्डिंग कितना है 20 लीटर, ठीक है। लेकिन सवाल में कितना निकाला जा रहा है, सिर्फ 4 लीटर मिश्रण निकालना है, यानी कि कितने भाग निकालना है। तो 1 की वैल्यू मैं निकालूंगा तो ये कितनी आ जाएगी, 4/20 या फिर 1/5, ठीक है, यानी कि 1/5 भाग आपका निकाला जा रहा है टोटल में से, ठीक है। तो देखिए मिल्क कितना निकल जाएगा उससे मुझे भी अंदाजा लग जाएगा, तो ये कितना 1/5 इसका निकलेगा, तो ये 25/2 है, तो इसका कितना भाग निकल जाएगा, माइनस में 1/5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 5/2 मिल्क निकलेगा, और इसका 1/5 करेंगे तो ये माइनस का 3/2 वाटर आपका निकलेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 4 लीटर दूध उतना ही अमाउंट, यानी कि 4 लीटर दूध ऐड कर दिया जाता है, तो 4 लीटर मिल्क आप इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, 4 लीटर मिल्क आपने ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब ये क्या आ जाएगा, 4 - 5/2, यानी कि ये टोटल कितना 8 - 5, इसको सॉल्व कर लीजिए 2, यहाँ पे 8 - 5 यानी कि 3/2, ठीक है। तो 3/2 मिल्क आपका ऐड हो जाता है, और यहाँ पर 3/2 मिल्क
3/2 लीटर आपका वाटर निकल जा रहा है, ठीक है। तो अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25, और यहाँ पर ये 3/2 मिल्क, यहाँ तो पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे निगेटिव है, तो इसमें आपका ऐड हो जाएगा मिल्क, तो ये कितना आ जाएगा, 2 नीचे कॉमन और 25 और 3 28, ठीक है। तो ये कटेगा तो ये कितना, अब जो है 14 लीटर आपके पास दूध होगा, और 15 माइनस 3 करेंगे तो 12, 12/2 यानी कि 6 लीटर अब आपके पास सिर्फ वाटर बचेगा, ठीक है। तो नया जो रेशियो होगा वो कितना आ जाएगा, 2 से काट दीजिए तो 7:3 यानी कि 7:3 आपके पास अब नए मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा, 7:3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से जब आपसे पूछा जाए कि नए मिश्रण में अनुपात क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप क्या करते हैं, आप रेशियो पे चले जाइए, बेसिक एकदम तरीके से आप इसको सॉल्व कीजिए और आप इस तरह क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें हम लोग एलिगेशन का यूज करके सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन भी क्या कह रहा है कि एक बर्तन में अम्ल और पानी का घोल है जिसमें अम्ल कितना है, 36% है, ठीक है। तो एसिड की वैल्यू आपको बोली गई कि एसिड कितना है, 36% अमाउंट है, ठीक है। अब इसमें से क्या कहा है कि इससे 4 लीटर घोल निकाल कर उसमें उतना ही पानी डाल दिया था, तो कुछ पानी आपको ऐड करना है, बाकी चीज आपके पास है, ठीक है। तो वाटर आपको ऐड कर दिया गया है, तो मिश्रण में अब अम्ल 30% हो जाता है, तो अब जो एसिड है वो कितना हो जाता है, 30% हो जाता है। देखिए यहाँ पे अब आपको क्या है, रिजल्ट दे दिया गया है कि रिजल्ट क्या है कि अब नेट रिजल्ट क्या है कि 30% एसिड फाइनली आपके पास हो जाता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्रारंभ में घोल कितना था, ठीक है। क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि पूछा गया कि इनिशियली हाउ मच लीटर ऑफ सोल्यूशन वॉज देयर, ठीक है। तो इनिशियली सोल्यूशन आपको बताना है। तो अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखिए जब आपको क्या है, पानी मिलाया जा रहा था सोल्यूशन में, कुछ अमाउंट इसका एसिड का जो भी मिक्सचर था उसको निकाल करके उसकी जगह पे क्या डाला जा रहा था, वाटर डाला जा रहा था। तो वाटर में एसिड कितना होगा, 0% होगा। मैं मानता हूँ कि वाटर जो है कैसा है, प्योर वाटर लिया गया होगा, तो उसमें एसिड कितना होगा, 0%। तो अब आप इसको एलिगेशन लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 से 30 का डिफरेंस 30, और 36 से 30 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 × 5 = 30, 5:1, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था कि 5 वहां पर क्या होता है कि कितना अमाउंट आपका एसिड लिया गया था। इनिशियली एक बॉटल रही होगी जिसके मैं 6 टुकड़े अगर कर दूं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है। तो ये कुछ इतना भरा हुआ था जिसमें से कि इतना पहले इनिशियली वो पूरा भरा हुआ था, लेकिन क्या किया गया कि सिर्फ इसका जो 1/6 भाग था उसको खाली किया गया और उसकी जगह पर क्या डाल दिया गया, पानी डाल दिया गया, ठीक है। तो ये जो 1 है ये क्या शो करता है कि कितना वाटर डाला गया, ठीक है। और ये 5 क्या शो करता है कि ये जो है कितना यूज किया गया, और कितना एक भाग ये जो जितना वाटर डाला गया उतने की जगह वहां पर खाली करी गई, ठीक है। तो 1 की वैल्यू देखिए सवाल में दी गई है, क्वेश्चन में आपको 1 की वैल्यू दी गई है कि कितना, 4 लीटर पानी आपका डाला गया, तो 1 की वैल्यू आपको पता चल गई 4। तो पूछा क्या गया, प्रारंभ में घोल कितना था, तो प्रारंभ में घोल क्या 5 लीटर था, नहीं, प्रारंभ में घोल आपका कितना था, 6 लीटर था, ठीक है। तो 1 की वैल्यू अगर 4 है तो 6 की वैल्यू कितनी, 4 से मल्टीप्लाई कर दी, 6 × 6 = 24, ठीक है। यहीं पर अगर आपको सवाल में पूछा जाता कि कितना आपका प्रतिशत एसिड था, तो आप क्या करते हैं कि पहले आप 6 की वैल्यू निकालते हैं यानी कि 24 लीटर। तो 24 लीटर तो इनिशियली सॉल्यूशन था, और इसका भी कितना, सिर्फ 36% जो है ये एसिड था। कई बार क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ है कि वो ये पूछता है कि इनिशियली कितना एसिड था, यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन में क्या है, घोल पूछा गया फिर सॉल्यूशन पूछा गया, इसी की जगह पूछा जाता कि हाउ मच लीटर्स ऑफ एसिड वॉज इनिशियली देयर, ठीक है। तो इनिशियली एसिड आपका 24 लीटर नहीं था, 24 लीटर तो पूरा सॉल्यूशन था, उसमें काफी तो पानी भी है, तो सिर्फ उसका 36% जब आप निकालेंगे तो वो आपका एसिड होगा, ठीक है।